सो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार नया एक और वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो नया यूट्यूबर्स होते हैं, यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने के बाद बार बार यूट्यूब YT स्टूडियो ओपन करके इस तरह रिफ्रेश करना शुरू करता है कि मेरा वीडियो पर कितना व्यूज़ आ रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि बार बार रिफ्रेश करने के बाद जब इस वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है तो आप भूल जाते हो इस वीडियो के बारे में। उसके बाद दोस्तों, आप यह सोचना शुरू करते हो कि मेरा वीडियो पर मैंने क्या गलती किया है, किस वजह से मेरा वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली दोस्तों, होता क्या है, यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो वीडियो आपने YouTube पर अपलोड किया है, इस वीडियो की सही टैग क्या है आपको पहले पता नहीं है। इसलिए दोस्तों, आपका हिसाब से आपने टैग ऐड किया है। और उसके बाद दोस्तों, वीडियो अपलोड करने के समय जब 12 घंटा कंप्लीट होता है, उसके बाद YouTube की तरफ से टैग लिस्ट जारी किया जाता है कि इस टैग की मदद से इस वीडियो को सर्च किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करते हो तो आपका वीडियो डाउन तो हो गया, लेकिन अगर आप दोबारा यहाँ पर ट्राई नहीं करते हो तो आपका वीडियो रैंक नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, एक छोटा सा ट्रिक्स आपको इस वीडियो में लगाना है और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि आपका वीडियो रैंक करना शुरू किया है। सो दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक्स आपका वीडियो पर आप कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप एक नया क्रिएटर से और आपने YouTube से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं और आपका चैनल ग्रो करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के ऊपर जेन्युइन कंटेंट अपलोड होता है, कोई दुकाबाजी वीडियो बिल्कुल अपलोड नहीं होता है। दोस्तों, मैं इसलिए ये चैनल ओपन किया है क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर यूट्यूबर्स का प्रॉब्लम हो रहा है और एक नया चैनल ग्रो करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, और जो बड़ा बड़ा यूट्यूबर होता है ये लोग इतना कुछ आपको सिखाते नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर आपको लाइव प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे आपका वीडियो पर यह ट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपके मोबाइल पर YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करना है, जैसे कि मैंने ओपन कर लेता हूं। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपका करना क्या है, नीचे यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, जो वीडियो आपने 24 आवर्स के पहले यानी या 12 घंटा पहले जो वीडियो आपने अपलोड कर रखा है, तो सिंपली इस वाली वीडियो के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर मैं और दो वीडियो अपलोड कर रखा है, वो अनलिस्टेड है, अभी तक मैंने पब्लिश नहीं किया है, तो सिंपली मैंने एक वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। इसके बाद दोस्तों, कुछ इस तरह इंटरफेस आपका सामने डिस्प्ले होता है। यहाँ पर दोस्तों वीडियो के थंबनेल भी आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आप देख सकते हैं, गो टू वीडियो एनालिटिक्स, तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये जो वीडियो है मेरा बिल्कुल डाउन है और व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आया है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको करना क्या है कि ओवरव्यू जो है, इस वाले ऑप्शन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको रीच वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इम्प्रेशंस आप देख सकते हैं, 2100 इम्प्रेशंस इस वीडियो की है, यानी कि बिल्कुल लो है। तो इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि टॉप यूट्यूब सार्स ट्राम्स। तो सिंपली आपको करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होता है। तो यहाँ पर अभी भी सार्सिंग हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मतलब कम्प्लीट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ऊपर देखिए लास्ट 28 डेज, तो सिंपली इस आइकॉन पर क्लिक करके आप लास्ट 7 डेज सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे 7 डेज आप सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कीवर्ड होता है, क्योंकि जो वीडियो आपने अपलोड कर रखा है इस वीडियो के अंदर, यानी कि इस कीवर्ड की माध्यम से इस वीडियो को सर्च किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपका वीडियो में ये जो कीवर्ड यहाँ पर शो हो रहा है, ये कीवर्ड अगर आपने नहीं लगाया है, तो आपका जो पहला का जो कीवर्ड आपने ऐड किया है, पहले का कीवर्ड और ये कीवर्ड, तो सिंपली आपको ये स्क्रीनशॉट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको मैच करना होता है कि यहाँ पर जो कीवर्ड शो हो रहा है, ये कीवर्ड आपका वीडियो में है या नहीं। दोस्तों अगर आपका वीडियो में ये वाला कीवर्ड नहीं है और आपका पहले जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड से तो आपका वीडियो रैंक नहीं कर रहा है, इसलिए दोस्तों आपको ये चीज़ करना होता है। तो ये आपको सिंपली स्क्रीनशॉट कर लेना है। दोस्तों जैसे स्क्रीनशॉट करेंगे, तो उसके बाद दोस्तों आपको आना है बैक। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं बैक कर लेता हूँ।
बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए करना क्या है कि और भी बैक आना है। तो दोस्तों जब और भी बैक आता है तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक पेंसिल आइकॉन है, तो सिंपली पेंसिल वाला आइकॉन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे पेंसिल वाला आइकॉन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके जो थंबनेल है यहाँ पर शो होता है और यहाँ पर टाइटल है। तो दोस्तों यहाँ पर टाइटल थंबनेल पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे की तरह स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है मोर ऑप्शन टैग कैटेगरी कॉमेंट्स, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने वीडियो में जो टैग लगाया है, ये टैग और आपने जो स्क्रीनशॉट किया है, जो टैग अभी स्क्रीनशॉट किया है, ये दोनों टैग आपको एक बार चेक करना है कि जो टैग आपने लगाया है ये वाली टैग यहाँ पर है या नहीं। दोस्तों अगर जो स्क्रीनशॉट कर रखा है आपने जो टैग, अगर ये टैग यहाँ पर नहीं दिखाई देता है तो यहाँ पर आप कैंसिल करके जो टैग आपने स्क्रीनशॉट किया है वही आपको ऐड करना होता है। दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसेस है। दोस्तों जैसे यहाँ पर ऐड करेंगे उसके बाद दोस्तों आपका वीडियो जो है रन करना शुरू करता है। और दोस्तों अब बात आती है कि आप क्या करना है। दोस्तों ये टैग यहाँ पर सेट करने के बाद आपको करना क्या है कि सिंपली आपको जाना है डिस्क्रिप्शन पर। तो डिस्क्रिप्शन पर जाने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक बार बैक करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए डिस्क्रिप्शन, सिंपली डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर आपको करना क्या है कि जो टैग आपने स्क्रीनशॉट कर रखा है ये वाली टैग डिस्क्रिप्शन पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो काम है ये ख़त्म। उसके बाद आपका वीडियो ऑटोमेटिकली रन करना शुरू करता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना है और इस चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।